Hey guys, a very very warm welcome. I'm Hina Bhimani. You guys are watching me live on your favorite Gookie app, on your favorite show, the Hina Bhimani Wellness Show. And I already see 835 people watching me live, and I'm so happy to see you all. आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज डू नॉट मिस इट. नमस्ते विशाल, थैंक यू चारू फॉर ट्यूनिंग इन. शिनॉय इज योर, जानवी थदानी, दत्तार्य महात्रे, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ट्यूनिंग इन. मेका श्रीनिवास, सागर दिवारे, अजहर इज योर, हाई अजहर, शिवम कुशवाहा, नमस्ते, स्टे सेफ. सो गाइज, आई होप यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज. ये क्विज जो है, ये आप घर पर बैठे बैठे ही हमारे हेल्पर्स, जो फ्रंटलाइन हेल्पर्स है, पुलिस है, नर्सेज है, डॉक्टर्स है, जो हमारी इतनी सारी मदद करते हैं, उनको हम, उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. सो हम मास्क डोनेट करेंगे, तो ये क्विज आप खेल कर पॉइंट्स जमा कर सकते हैं, और ये क्विज के थ्रू जो है आपके पॉइंट्स जो है डोनेट कर सकते हो, और ये पॉइंट से आप बाय कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हो मास्क इन लोगों के लिए. सो गाइज, प्लीज प्ले द क्विज. Simultaneously, we are also running this challenge, quarantine home workout challenge, जो आप घर पर बैठ के कर सकते हैं, जो जिससे आपको one point मिलेंगे, आप ज्यादा videos भी देख सकते हैं. All you have to do is you have to join the workout. वो जो भी videos है उस पर tag किया हुआ रहेगा, quarantine home workout, आपको वो देखना है और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना आप वीडियो देखेंगे इतना आपका स्कोरिंग ऊपर जाते जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं. टॉप 5 प्लेयर्स को मिलेंगे, जिन्होंने भी 30 पॉइंट स्कोर किया है, टॉप 5 को मिलेंगे गोकी मर्चेंडाइज, एंड दूसरे लोगों को मिलेंगे 3000 गोकी कैश. तो जरूर से पार्टिसिपेट करें. जय इज ऑलरेडी योर, जय हाय, थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. रिजुनेटिंग रविवार बनाना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, जिससे मैं बनाने वाली हूँ फेस मास्क, और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ. सो कीप वॉचिंग गोकी, डू नॉट गो एनीवेयर. गोकी चैलेंज में पार्टिसिपेट करे, खुबेस में पार्टिसिपेट करे. निहार रंजन, हाई, आई एम गुड, हाउ आर यू एंड वेयर. आई एम गुड, आई एम फ्रॉम मुंबई. ओके गाइस, सो आई सी लॉट ऑफ पीपल विथ 50. अश्विनी गुप्ता 50, संतोष जी 50, महात्रे जी 50. वाओ, सो गाइस, ये सारे पॉइंट्स आप डोनेट करें और मास्क दीजिए हमारे हेल्पर्स को, फ्रंटलाइन हेल्पर्स, जो हमारी इतनी सेवा करते हैं. शेरिल बोले जी, नमस्ते. मयूर लठिया, नमस्ते. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. जैसे मेरा ही सेशन है, वैसे बहुत सारे दूसरे सेशन हो रहे हैं गोकी पर, केजल न्यूट्रिशन के ऊपर बात करिए. सो गो एंड सब्सक्राइब टू केजल सेशन. वी हैव आरुषी डूइंग अमेजिंग हेल्थ रेसिपीज, वी हैव परवेज डूइंग मैराथन ट्रेनिंग, वी हैव टू फेल अजर डूइंग फिटनेस सेशंस ऑन फिटनेस, वी हैव योगा बाय रौनक, मेडिटेशन का सेशन बहुत ही बढ़िया करते हैं रौनक, सो आप रौनक के सेशन को भी जरूर जाकर अटेंड करें. We have Sheetal, Bhumika, Nishta, all of them doing yoga sessions, to go and subscribe. So guys, let's start. Hi Dada, hi Balbir Singh, thank you for tuning in. I'm just going to brighten this, bahut hi dull lag raha hai, now I can see you all, yes, finally. Vipin Josh ji, hi, namaste, thank you so much for tuning in. So, pehle to face pack hum banayenge, jo hamari skin ke liye bahut hi acha hai, jisse hamari, जैसे कि हम पूरा दिन अभी घर पर बैठे हुए हैं, वी आर नॉट स्टेपिंग आउट, सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन यू नो वर्क ऑन योर स्किन, वर्क ऑन योर हेयर. आप अपने बालों पर मसाज कर सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, और स्किन का ग्लो जो है अभी आप बढ़ा सकते हैं. नाउ हाउ विल यू डू दिस? ओके, सबसे पहले तो आपको रोज रात को सोते समय अपना फेस क्लीन करना है. अगर आप नॉर्मली बाहर भी जाते हो तो भी आपको फेस क्लीन करना है, और अदरवाइज ऑल्सो सिंस यू आर एट होम. ये है कोकोनट ऑयल, ओके, कोकोनट ऑयल है, और ये है टॉयलेट रोल, ओके, टिश्यू रोल है ये. इसको आप इस तरीके से जो है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे फेस के ऊपर आप कोकोनट ऑयल मसाज कर लीजिए, एवरीवेयर मसाज इट, और फिर कोकोनट ऑयल, प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये, आपको गोकी स्टोर पे भी मिल जाएगा. सो आप जो गोकी चैलेंज प्ले कर रहे हो उसके पॉइंट से, उसके गोकी कैश से जो है आप बाय कर सकते हो, इवन अदरवाइज यू कैन बाय. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मसाज कोकोनट ऑयल ऑल ओवर योर फेस.
एंड देन धीरे से आपको टिश्यू रोल से जो है क्लीन करना है. यू कैन इवन यूज अ कॉटन बॉल ताकि जो भी डर्ट हो या जो भी गंदगी हो फेस पर वो पूरी निकल जाए. ओके सो डू दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू. डू दिस एवरी नाइट. एंड इफ यू आर डूइंग एनी फेस पैक, फेस मास्क अगर आप लगा रहे हो, सो देन ऑल्सो यू हैव टू फर्स्ट क्लीन योर फेस अराउंड योर आईज. पूरे फेस पे क्लीन कर लीजिए. यू कैन पुट अ बैंड ऑल्सो ऑन योर हेड सो दैट आपके बाल खराब ना हो जाए. ओके नाउ आई एम मेकिंग द फर्स्ट फेस पैक, जिसके लिए मैंने जो है एक कटोरी में टमाटर, ओके दिस इज टमाटर की प्यूरी बना दी है. इट्स सो क्विकली आपके मिक्सी में पीस लीजिए एक टमाटर और ये प्यूरी बन जाएगी. सो फॉर द फेस पैक, अभी हम पहला जो फेस पैक बना रहे हैं वो बना रहे हैं ग्लो पैक. उसके लिए हम लेंगे हमारे फेस के हिसाब से, आप ज्यादा बना सकते हैं ताकि आपका पूरा फैमिली जो है ये यूज कर सकता है. ओके सो यू विल टेक वन स्पून ऑफ दिस कोकोनट पेस्ट, कोकोनट टमेटो पेस्ट. ओके मैं एक प्लेट में ये टमेटो पेस्ट डाल रही हूँ. सो यू कैन टेक यू नो वन स्पून ऑफ टमेटो पेस्ट. इसमें जो है आप डाल सकते हो, इफ यू हैव ड्राई स्किन, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी जो है डाल सकते हैं. और यू कैन, इफ योर स्किन इज वेरी ऑयली तो यू कैन स्किप द ऑयल. अगर ऑयली है तो ऑयल स्किप करे, ड्राई है तो इसमें बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल डाले. ओके सो दिस इज टमेटो पेस्ट. इसको टमेटो को मैंने सिर्फ मिक्सी में पेस्ट कर लिया है. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लेमन. ओके लेमन जूस जो है इसमें मैं डालूंगी. दिस विल हेल्प यू टू डी टैन, चेहरा जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा इससे और चेहरे पे दाग धब्बे भी कम होंगे. एट द सेम टाइम पिंपल्स भी जो है कम हो जाएंगे आपके इससे. सो आई एम गोइंग टू मिक्स इट. यू वॉन्ट यू नो फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन यू कैन ऑल्सो पुट ये जो है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, मुल्तानी मिट्टी भी जो है आप इसमें डाल सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल हनी. ओके मैं थोड़ा सा हनी डालूंगी इसमें. ओके एंड माई फेस पैक इज रेडी. और ये फेस पैक जो है आप अपवर्ड डिरेक्शन में, ओके आप अपवर्ड डिरेक्शन में फेस पर लगा लीजिए. और दिस इज सो सिंपल. टमेटो की प्यूरी जो है एक मिनट में बन जाएगी और उसमें आपको नींबू डालना है. और उसमें आपको इफ यू हैव ऑयल ड्राई स्किन देन यू पुट आमंड ऑयल और यू पुट कोकोनट ऑयल. ड्राई स्किन है तो, ऑयली स्किन है तो आप कुछ भी ना डालें. इफ यू हैव मुल्तानी मिट्टी, ओके फुलर्स अर्थ एट होम, यू कैन पुट दैट. और ये जो है ये अपवर्ड डिरेक्शन में आप लगा लीजिए. दिस इज अमेजिंग. आप अपनी फिंगर से लगा सकते हैं इस तरीके से. आप अपवर्ड डिरेक्शन में लगा लीजिए. सब कुछ चेहरे पर दाग धब्बे सब में आपको बहुत ही फायदा होगा. दिस इज सो कूलिंग. इतना अच्छा ठंडा लगेगा आपको और चेहरे की चमक जो है, ओके यू विल गेट दैट ग्लो ऑन योर स्किन. सो कीप दिस फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. ओके 10 मिनट तक आपको रहने देना है. आई एम गोइंग टू बी पुटिंग सो मेनी फेस पैक्स. मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ किस तरीके से लगाना है. यू हैव टू पुट इट इन अपवर्ड डिरेक्शन. आंखों के आस पास ही, पूरे यहां पर नहीं लगाना है. फोरहेड पे भी लगाएंगे हम, बालों के एरिया को छोड़कर लगाएंगे. और सब जगह पर अपवर्ड डिरेक्शन. आप नेक पर भी लगा सकते हैं. यू कैन इवन पुट इट ऑन योर हैंड्स. यू कैन इवन पुट इट ऑन योर एल्बो. एल्बो पर भी लगा सकते हैं. एल्बो देखिए हमारा नॉर्मली डार्क होता है, नीज हमारा डार्क होता है, जॉइंट्स डार्क होते हैं, तो उससे जो है डार्कनेस कम होगी और आपका चेहरा जो है ग्लो करने लगेगा. और ये भी जो है इसकी डार्कनेस कम होगी बिकॉज इसमें है नेचुरल एस्ट्रिंजेंट सिट्रिक एसिड जो आपकी स्किन. सी ऑलरेडी यू विल सी माई स्किन इज शाइनिंग, इट्स बिकमिंग पिंक. लुक एट दिस साइड, लुक एट दिस साइड. इट्स रियली, दिस पैक इज रियली गुड. दिस हैज ऑल नेचुरल थिंग्स जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और स्किन शाइन करने लगेगी गाइज. सो ये जरूर से ट्राई कीजिए. वॉट इट बर्न इफ यू एड लेमन जूस. सो दादा हैव एड लाइक से अबाउट 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. ज्यादा नहीं डाला है तो स्किन नॉर्मली बर्न नहीं करेगी. इट्स अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट. आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा. और पिंपल्स हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने आ रहे हैं चेहरे पर, ये सब कुछ जो है ये फेस पैक से आपका निकल जाएगा. बट ऑफकोर्स इफ यू हैव हॉर्मोनल इम्बैलेंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. यू हैव टू ईट हेल्दी. हेल्दी खाना जरूरी है, अच्छी नींद लेना जरूरी है. पेट में गड़बड़ है तो चेहरे पर दिखेगी.
अगर हमें याद है, हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू ऑलवेज टेल मी, मुझे बहुत पिंपल्स होते थे तो मुझे मेरी दादी कहती थी तेरा पेट गड़बड़, तेरे पेट में गड़बड़ है इसीलिए तुझे इतने पिंपल्स होते हैं. आई यू नो अग्री टू हर बिकॉज यस आई हैड कॉन्स्टिपेशन, आई हैड डाइजेस्टिव इश्यूज एंड आई हैड लॉट ऑफ गैस ट्रबल व्हेन आई वाज यंग. तो मेरा जैसे ही यू नो शी यूज टू गिव मी कैस्टर ऑयल एंड शी यूज टू गिव मी वन मोर आयुर्वेदिक थिंग, हर्बल थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट, मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो गया. सो शी यूज टू गिव मी दैट एवरी डे, और एवरी डे मतलब यू नो इफ आई हैव दैट प्रॉब्लम, अदरवाइज वंस इन अ वीक देती थी जिससे पेट साफ होता था. एंड आई यूज टू सी कि चेहरे पर तुरंत ही फर्क पड़ता था, सब पिम्पल्स विम्पल्स कम हो जाते थे एंड चेहरा अच्छा लगने लगता था. एंड देन आई यूज टू पुट फेस पैक लाइक दिस, सो मेनी फेस पैक्स हैव पुट, आई यूज टू पुट दिस. देन ऑरेंज का जो पील है, गाइज यू कैन डू दैट ऑल्सो, ऑरेंज का पील है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसको धूप में सुखा लीजिए, और वो एक बार सूख गया उसका पाउडर कर लीजिए और वो बन गया आपका नेचुरल स्क्रब. इसमें आप मलाई डाल दीजिए इफ यू हैव ड्राई स्किन, और यू कैन पुट ग्लिसरीन, और यू कैन पुट हनी, एंड यू कैन पुट लिटिल लेमन जूस, और इसको आप स्किन पर मसाज करें. इट्स अ नेचुरल स्क्रब, इतना सस्ता और इतना विटामिन सी से भरा हुआ स्क्रब. ऑल बिग ब्रांड्स हैव दिस स्क्रब विद विटामिन सी एंड इट्स एक्सपेंसिव. ये आपका इन एक्सपेंसिव होम स्क्रब बन गया जो बहुत ही सिंपल है. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट, आपने ऑरेंज खाया उसको छोटे छोटे पीस करके ड्राइड एक प्लेट में आप रख दीजिए ड्राई करने. आप लेमन के पील को, गाइज आप लेमन के पील को भी जो है ड्राई करने रख सकते हैं. लेमन का भी बहुत ही बढ़िया सा स्क्रब बनता है. सो यू कैन ड्राई, सूख गया उसके बाद आप इसको पीस लीजिए और इसमें फिर से लेमन का जूस डाल दीजिए पाउडर में, थोड़ा सा हनी या ग्लिसरीन डाल के आप यूज करें. एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल डाल के भी एज अ स्क्रब यूज कर सकते हैं. It's amazing and it has wonderful effect. So guys, I see you guys sending me so many beautiful hearts. Please keep sending those hearts and keep liking the session. So Charu is saying, will it help in blemishes? So blemishes ke liye, Charu, you can have put this because this is a natural bleaching agent. But at the same time, you need to have a lot of water. Achhe se pani pijiye and please put sunscreen if you are stepping out. 20 minutes before you step out, sunscreen lagaiye since you are at home. You can also put sunscreen because sunscreen, dermatologists say that sunscreen is a natural anti-aging lotion, jabki skin ke liye acha hai. So skin ko ghar par bhi moisturize rakhne ke liye acha sa sunblock use kare, usse blemishes light ho gaye, pani acche se piye aur ye face pack jo hai zarur se lagaye. And don't forget to take your beauty sleep. Beauty sleep se chehra naturally glow karega. And he's saying give me something to remove wrinkles. For wrinkles, you can put egg white ka face mask, okay? Egg white jo hai, ple lijiye. And you can put that on your face in upward direction. It's very, very good. Egg white pe don't forget to put lemon juice. Put lemon juice and put little glycerin, jisse aapka wrinkles, you know, crow's feet hai, yahan par hai, wo sab kam ho jayega. So do that. For that you need egg white. आप लेंगे एक egg का white लेंगे. Okay, you can even put it on your neck. You will put few drops of lemon juice. Lemon is very very good for your skin. And you will put glycerin या honey आप डाल सकते हो. And you put it in upward direction. Okay, आप ऊपर की direction में and यहाँ से लेकर बाहर की direction में nose के आसपास यहाँ पर सब जगह पर लगा लीजिए. आप देखोगे आपकी skin कैसे tight होती है, glow भी करती है. But remember, when you're putting this, please do not talk. बातें नहीं करनी है वरना स्किन लूज हो जाएगी. सो वेन एवर यू पुट एनी फेस पैक यू हैव टू डू मौन व्रत. नो टॉकिंग वेन यू डूइंग पुटिंग एनी फेस पैक, नो टॉकिंग एट ऑल. बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहकर ये फेस पैक लगाएंगे. एंड देन यू वॉश इट ऑफ द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग ये खींच रहा है. ओके, देन यू वॉश इट ऑफ विथ वार्म वाटर. हल्के गर्म पानी से फेस को वॉश करें और अच्छे से क्लीन करें. रब ना करें, रफ टॉवल यूज ना करें, यूज अ सॉफ्ट नैपकिन टू वाइप योर फेस. ओके, गिरीश कन्वर्ट, हाउ टू इम्प्रूव ग्लो ग्लोनेस ऑफ स्किन. ओके, ग्लो स्किन का इम्प्रूव करने के लिए सी यू आर व्हाट यू ईट. ही हमने बहुत ही बार सुना है कि आप जो है आप जो खाते हो वो आप दिखते हो बाहर से, जो आप अंदर डालते हो वो बाहर दिखता है. So if you are having, you know, coconut water, if you are having fresh fruits regularly,
देन आपकी स्किन अपने आप नेचुरली ग्लो करेगी. सो फ्रेश फ्रूट्स खाइए, कोकोनट वाटर पीजिए, हैव 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, हैव आमंड्स एवरी डे, लेमन जूस इन योर फूड एवरी डे. दिस विल रियली हेल्प योर स्किन. एंड एट द सेम टाइम ट्राई दीज रेमेडीज. मैं बहुत सारे फेस पैक बनाने वाली हूँ. सो द फर्स्ट फेस पैक वॉज दिस टमेटो पल्प, लेमन जूस एंड लिटिल हनी. वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. हाउ मेनी डेज वी हैव टू पुट और मंथ्स और वीक? सो दादा दिस यू कैन पुट इट. सी दिस इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय नहीं लगता है, तो आप इसे रोज लगा सकते हैं. यू कैन पुट इट फॉर अबाउट 5 to 7 minutes, ओके, मैक्स 10 मिनट तक आप रख सकते हैं. सो यू कैन पुट इट एवरी डे, स्पेशली इफ यू गो आउट इन द सन. जिनको भी धूप पे बार बार जाना पड़ता है वो ये लगाए, और रोजाना धूप से आके घर पर ये लगाए. यू विल सी दैट योर स्किन इज क्लियरिंग. इससे स्किन क्लियर होगी, पिगमेंटेशन भी कम होगा, बिकॉज इट हैज नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट. इसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. ओके, यू कैन यूज लाइक आई सेड मुल्तानी मिट्टी भी, जिससे स्किन टाइट भी होगी और स्किन क्लीन भी अच्छे से होगी. सो मुल्तानी मिट्टी वाला भी जो है मैं फेस पैक बनाऊंगी, हल्दी का फेस पैक भी बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू बी मेकिंग ऑल ऑफ दैट टुडे, सो प्लीज कीप वॉचिंग. दैट्स ग्रेट गिरीश, इफ यू आर फॉलोइंग देन डेफिनेटली यू विल हैव गुड स्किन. पानी अच्छे से पिए, वर्कआउट योगा कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्किन में ग्लो अपने आप आएगा. साथ साथ ये जस्ट ट्राई दिस फेस पैक दैट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, व्हिच विल रियली हेल्प यू अ लॉट. कैन यू यूज एग वाइट एवरी डे? नो, नो यूजिंग एग वाइट. सो एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर टाइटनिंग ऑफ योर स्किन, यू शुडंट बी डूइंग दिस एवरी डे. रोज नहीं करना है इसे. एवरी डे के लिए ये वाला फेस पैक है जो टमेटो वाला है, ये आप यूज कर सकते हैं. एग वाइट जो है आप वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज करें, रोज नहीं करना है, बिकॉज उससे आपकी स्किन को नुकसान होगा. एनीथिंग विच इज फॉर फेस टाइटनिंग, ओके, यू विल नॉट डू इट एवरी डे. रिमेंबर दिस गाइज, ओके. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी फॉर द फेस पैक, वी आर गोइंग टू टेक हल्दी. ये हल्दी है मेरे पास. ओके, नाउ दिस द हल्दी दैट आई हैव इज प्योर ऑर्गेनिक हल्दी, बहुत ही बढ़िया हल्दी है. सो यू विल टेक लिटिल हल्दी. ओके, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है. यू विल टेक लिटिल हल्दी. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई एम मेकिंग दिस. देखिए, मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है. ओके, इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस. ओके, हल्दी इज अ नेचुरल एंटीसेप्टिक. हल्दी जो है शुभ माना जाता है, शादियों में यूज करने में आता है. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर गेटिंग दैट ब्यूटिफुल ग्लो ऑन योर फेस. सो हल्दी ली है मैंने. इसमें आई एम पुटिंग लिटिल लेमन जूस. ओके, और इसमें मैं डालूंगी बादाम का तेल. ओके, आमंड ऑयल इज वंडरफुल फॉर गेटिंग दैट ग्लो ऑन द स्किन. आमंड ऑयल इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन. रिंकल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है. तो दिस इज प्योर आमंड ऑयल. दिस इज प्योर आमंड ऑयल दैट आई एम यूजिंग. थोड़ा सा आई एम पुटिंग वेरी लिटिल आमंड ऑयल, से अबाउट 3-4 drops ऑफ आमंड ऑयल. ओके, एंड माय पेस्ट इज रेडी. सो इट हैज, आई एम मिक्सिंग इट विद माय फिंगर. इट हैज लेमन, इट हैज हल्दी एंड इट हैज आमंड ऑयल. ओके, इसको हमने तैयार कर लिया है. इसका पतला सा लेयर, ओके, वेरी थिन लेयर यू विल पुट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन योर फेस. ओके, सन टैन हो, ब्लेमिशेस हो, डार्क स्पॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल, बिलीव मी. बिकॉज हल्दी जो है परसों से माना जाता है फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड फॉर इट्स स्किन, फॉर इट्स ब्यूटी. कितने सारे लोशंस जो है बनते हैं हल्दी, यू नो, जिसमें हल्दी यूज होती है. सो यू पुट इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेट इट ड्राई फॉर अबाउट 5 to 10 minutes एंड देन यू नो यू वाइप इट ऑफ. ओके, अब मैं इसको वाइप कर रही हूं. ठीक है, मुझे दूसरा भी फेस पैक लगाना है. ओके, सो वाइप इट ऑफ.
put try the thing that I've said. You can even add orange juice. आप orange juice भी जो है आप orange का juice निकाल के भी इसमें add कर सकते हो, lemon भी डाल सकते हो. So you can try different variations. So this is really really very good for your skin. Can you give some tips for hair? My hair too dry and frizzy. For hair, Janvi ji, what you can do is oil your hair, okay? Almond oil le lijiye, or you know, if you have the other oils, mix different oils, almond oil, coconut oil, olive oil, avocado oil and castor oil. Your five oils ko mix kar lijiye, massage your scalp, okay, before you go to sleep. And then if you have the time, aap hai na garam pani mein towel ko bhigo lijiye, okay? Soak in hot water. I'm going to use some tomato pulp to get that thing off my face. See, it can be used as a cleanser. Dekhiye, ye it is an amazing cleanser, guys. Jo hum itne expensive cleansers lete hain market mein, ye bahut hi inexpensive aur amazing sa cleanser hai. Aap dekhoge, ye pura peelapan jo hai mere chehre par jo haldi ka tha, it's all come out. So it's a great cleanser. Now my skin is completely clean, deeply cleanse karta hai skin ko. See, it's in your aapke samne hi hai. See, ye peela pan nikal hi raha hai. So it deeply helps in cleansing. Okay, so ye cleansing ke liye aap use kare. So yes, you do that. And then जानवी जी, देन हॉट टॉवल को जो है, गर्म टॉवल को जो है अपने सर पे बांध लीजिए. वो स्टीम से जो है आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और उससे जो है आपका फ्रिजीनेस भी जो है कम होगा. देन यू कैन वॉश योर हेयर. अब हफ्ते में दो बार कम से कम ये ऑयलिंग का आप कीजिए. एंड पुट दिस हॉट नैपकिन ऑन योर हेड एंड देन वॉश योर हेयर. दिस विल रियली हेल्प यू टू मेक योर हेयर सॉफ्ट एंड नाइस. Instead of almond oil, can we absolutely, you can use coconut oil also. You can definitely use coconut oil. Or what you can do, one more thing is almond लीजिए, भिगो लीजिए, या तो गर्म पानी में थोड़ी देर रहने दीजिए, soft हो जाएगा almond. फिर cheese grater से grate कर लीजिए, तो उसका बहुत ही smooth सा paste बनेगा. वो paste mix कर लीजिए and you can put that also on your skin. That also is a good replacement instead of almond milk. Almond milk के बदले में आप वो use कर सकते हैं. We can use turmeric because we guys have beard, so hair doesn't grow there. If it is put on beard, Hino Didi. And beard, so hair doesn't grow there if it is put. No, ऐसा किसने कहा? हल्दी बाल का ग्रोथ कभी हल्दी स्टॉप नहीं करती, तो आप बिल्कुल हल्दी लगा सकते हो, आपकी बियर्ड तो भी आएगी, डोंट वरी. संतोषी जी हाय. Amit is saying out of the topic, sweat also has beauty effect. I can't agree more to this because yes. If like I said in the beginning, only if you work out, अगर आप regular workout करते हो, आप sweat करते हो, you will have that effect on your face. आपके ऊपर आपको दिखेगा कि आपका चेहरा कितना shine कर रहा है, blood circulation कितना बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से वो natural glow आपके चेहरे पर आएगा. So today morning did only 75 push-ups. Wow, 20 crunches, 50 sit-ups, 30 second plank. कोरोना की तो ओ माय गॉड कर रहेंगे इन वन सेट 100 पुशअप्स, 100 क्रंचेस, 100. ओ माय गॉड, दिस इज सो कूल. अमित, दिस इज कूल. मेरो यस्टरडे व्हाट आई डिड, आई हैड पुट ऑन सम मंत्रा, सूर्य नमस्कार के मंत्रा. आई हैड पुट ऑन माय ब्लूटूथ स्पीकर सो दैट नो साउंड एंड नथिंग कैन डिस्टर्ब मी. With that soothing sound, I did my Surya Namaskars, I did my planks, I did 5 minutes of planks, I did crunches, and I did many, many asanas. It felt amazing. I had like a soothing effect on my hair, in my, you know, head, and I felt so relaxed. Annie saying, oh, can you please repeat what to grate? Okay, you can grate almond, badam jo hai. Usko bhigo dijiye, Annie, put it in hot water so that it becomes soft, almond. And then grate it, and then with that paste also you can put it on your face. Almond ka paste, you know, put little water, put little lemon juice in that, or you can even put kacha doodh, which is very good cleanser and very good for your face. And put it in upward direction. Always start from here, niche se upar ki taraf lagaiye, upward. Upper lips pe is tarike se lagayenge, nose pe from top to outside and upwards. Forehead pe aap, you can either do this. इस तरीके से आप लगाए,
या आप ऊपर की तरफ ऐसे लगा सकते हैं. सो आई एम शोइंग यू ऑल द पोजिशन, ओके, द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फेस मास्क. संतोष मिश्रा सिंह, आंसर माई क्वेश्चन. आई डिडंट सी योर क्वेश्चन. कैन यू यूज होम मेड कोकोनट ऑयल फ्रॉम कोकोनट ट्री? येस येस, यू कैन डेफिनेटली यूज होम मेड ऑयल, तो बिल्कुल यूज कर सकते. दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म. बिल्कुल बिल्कुल यूज करें. टुडे आई प्रिपेयर आलू पराठा एंड बिस्सल बात फॉर लंच. दैट्स ग्रेट दादा. एस आई कैन सी इंस्टेड ऑफ अदर सेशन इफ यू गोइंग टू स्टार्ट ब्यूटी सेशन मोर क्राउड इज देयर. यस आई थिंक सो. ब्यूटी सेशन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट ब्यूटिफुल. सबको ब्यूटिफुल होने में इंटरेस्ट है. वाई नॉट, वी ऑल डिजर्व टू बी ब्यूटिफुल एंड वी ऑल आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. ओके, सो ब्यूटी अंदर से शुरू होती है जो बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करती है. And the most beautiful thing is, having that confidence, having that, you are confident, that shows on your face, and you are positive, that also shows on your face because you are always smiling, right? So, please guys, can have any superfood for skin glow? Yes, for skin glow, मेरे घर पे खाना बन रहा है आज late, so you can hear the cooker की सीटी बज रही है. Sorry about that, guys. So, for the skin glow, you can have oranges, vitamin C hai, usme oranges, pineapple is great for your skin, avocados are great for your skin, badam, walnuts are very good for your skin, then also fish is very good if you are a non-vegetarian, so ye sari cheeze khaye, ghee is good for your skin, coconut water, coconut ki malai bahut hi achhi hai skin ke liye, to ye sari cheeze, all fruits. Greens are amazing for getting rid of pigmentation. So, पालक का जो है स्मूदी बनाकर रोजाना पीजिए. पालक से बहुत फायदा होगा. पालक, कोरिएंडर, पुदीना, लेमन, दीज ऑल आर वंडरफुल फॉर योर स्किन. As I can see, yeah, Girish. So, 432 hearts already, and I'm so happy to see so many beautiful hearts. Guys, keep sending those hearts. And if you have any questions for me, on today's topic, let me know. We are talking about quarantine beauty survival guide. So, घर पर हम कैसे अपने आप को beautiful बना सकते हैं, किस प्रकार हम हमारे skin का ख्याल रख सकते हैं, हम वो discuss कर रहे हैं. Also, I love making this home spa. Okay, इसके लिए I take रवा जो है, थोड़ा सा रवा लेती हूँ मैं, बेसन, okay, चने का आटा जिसे हम कहते हैं, बेसन लेंगे हम, उसमें हनी, कच्चा दूध, मलाई, लेमन जूस डालकर और थोड़ा सा दालचीनी, खुशबू अच्छी आती है, उसका अच्छा सा पेस्ट बना के स्क्रब इट ऑन योर बॉडी, फुल बॉडी पर स्क्रब कीजिए. यू विल आफ्टर यू हैव बाथ विद दैट, ओके, देन सोप नहीं यूज करना है, देन जस्ट पुट वाटर, यू विल फील योर स्किन हैज बिकम लाइक एक्सट्रीमली स्मूथ. आपको अपने बॉडी पर हाथ घुमाने के लिए बहुत मजा आएगा बिकॉज योर स्किन विल बिकम वेरी वेरी स्मूथ. तो ये जरूर से ट्राई करें. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर मेकिंग योर स्किन स्मूथ एंड नाइस. सो लेट मी नो, ट्राई इट एंड लेट मी नो. कमलेश जी इज हियर. हाय कमलेश, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सो डू ट्राई दिस रेमेडी. फुल बॉडी का जो मैंने स्क्रब बताया है वो जरूर से ट्राई करें. इस पे आप स्क्रब के लिए मैंने जैसे आपको बताया ऑरेंज जो है ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं एंड यू कैन इवन use that as a scrub for your body. Ajay Sahu ji, hello ji, thank you so much for tuning in. So try these remedies. Okay, now I'm going to make with multani mitti. Isme hai multani mitti. I'm going to be taking a plate. Okay, isme main dalungi multani mitti. Multani mitti is fuller's earth. It's been used for centuries. Okay, aisi dikhti hai multani mitti. This is how it looks like. Okay. मुल्तानी मिट्टी में मैं डालूंगी लेमन जूस. लेमन इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज कीप हैंडी बिकॉज सारे फेस पैक में लेमन जाएगा बिकॉज लेमन इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. सो लेमन जूस मैं डाल रही हूँ इसमें काफी सारा. ओके, और इसमें मैं डालूंगी हनी और यू कैन इवन पुट ग्लिसरिन इन दिस. ओके, आप हनी डाल दो या ग्लिसरिन डाल दो. ये आपका फेस पैक तैयार हो गया है. कोरोना का कुछ करो यार. कोरोना का तो कुछ नहीं कर सकती मैम. मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूंगी, मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाऊंगी और उससे मेरी स्किन भी अच्छी रहेगी, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहूंगी. तो इट्स रेडी.
तो वर्ल्ड भी जल्दी हील होगा. ओके, सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल, ना कोरोना समथिंग वी कैन नॉट कंट्रोल, व्हाट वी कैन कंट्रोल इज व्हाट्स यू नो आवर ओन हेल्थ, आवर ओन थॉट्स. ओके, सो ये बन गया है बढ़िया सा गाइस. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आती है ना, यू विल फील सो गुड. सो दिस इज मुल्तानी मिट्टी लेमन एंड हनी. बिलीव मी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. ब्लेमिशेस निकालने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत ही काम आएगा. इसको ज्यादा ड्राई होने नहीं देना है. सो ये सूखे और आपका फेस खींचे उसका उसकी देरी, डोंट वेट फॉर दैट. ओके, हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे तभी ही यू नो 5 to 7 minutes ओनली यू विल वॉश इट. सो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई इन अपवर्ड डिरेक्शन, ऊपर की डिरेक्शन में आप लगाएंगे. यस, एंड कीप इट ऑन फॉर सम टाइम. ओके, 5 to 7 minutes एंड देन आप जो है इसे गर्म पानी से जो है वॉश कर लीजिए. एंड आई एम गोइंग टू यूज अ क्लेंजर सिंस आई हैव दिस टमेटो पल्प, तो मैं टमेटो पल्प से जो है इसको क्लीन करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट ऑन. ओके, आई एम गोइंग टू क्लीन इट विद टमेटो पल्प से जो है मैं इसे क्लीन करूंगी. अभिषेक मिश्रा जी हाय, सी आई एम क्लीनिंग इट. How to reduce the black spots on my face? So try blemishes के लिए बहुत अच्छा है. Tomato, lemon and honey very good for blemishes and dark spots. Santoshi, you can already see. I mean, I think you can see the way my skin is looking right now. See, this is the skin which I've not touched, and this is the one that I've touched. It's looking clean, extremely clean and nice. बट ये करने के पहले थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए. ओके, स्टीम टेक स्टीम एंड स्क्रब थोड़ा सा कर लीजिए. यू कैन यूज वॉलनट स्क्रब इफ यू हैव एट होम, या तो बादाम का स्क्रब 2 minutes में बन जाएगा. जिस बादाम को पीस लीजिए, 2-3 बादाम जितना, और या कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए, या उसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए एंड स्क्रब इट. या आपके घर पे रवा है तो रवा जो है उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दीजिए, लेमन डाल के स्क्रब कर लीजिए. स्क्रब कर ले तो स्किन का डर्ट निकल जाएगा, या कच्चे दूध से साफ कर लीजिए फेस, और कोकोनट ऑयल से फेस साफ कर लीजिए. एंड देन पुट दिस फेस पैक, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा. सो गाइज, आई हैव गिवन यू सो मेनी टिप्स ऑन फेस मास्क. आई होप दीज टिप्स हेल्प, और आपकी स्किन, आपका फेस, आपके बाल, सब कुछ जो है हेल्दी और अच्छे अच्छे हो जाए. निखिल यादव जी हाय. श्रीनु सी नमस्ते. आई एम गुड निखिल, थैंक यू सो मच. आई होप यू डूइंग गुड टू. कोरोना से बचने के टिप्स, कोरोना से बचने के लिए आप अपना हेल्थ का ख्याल रखें, हैंड वॉश करते रहे. यहां तक हैंड वॉश करना है, कम से कम 2 मिनट्स 2 मिनट डालनी है हैंड वॉश करने में. बाहर स्टेप कर रहे हो, इफ यू गोइंग आउट प्लीज कीप सैनिटाइजर विथ यू, एंड प्लीज हैव फ्रेश फ्रूट्स, विटामिन सी वाले ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, पपाया, ऑल दीज आर गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. गरम पानी सॉल्ट में अच्छे से वॉश करके आप खाए, उसका स्मूदी बनाइए. पोमीग्रेनेट इज ग्रेट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर इम्यूनिटी. एंड गार्लिक जिंजर की चटनी बनाकर खाइए, पुट ग्रीन्स इन दैट, ग्रीन वाली चटनी बनाकर खाइए, और अच्छी गहरी नींद लीजिए. एक्सरसाइज करें घर पर, वर्कआउट करें, योगा करें, आप डेफिनेटली कोरोना से, क्या कोई भी वायरस से बच सकते हैं. योर इम्यूनिटी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. Never ever underestimate the power of the universe. Okay, the जो universe ने आपको दिया है, जो nature ने आपको दिया है, आपकी immunity, it's a gift from the universe. तो वो जरूर try करें, and try to stay at home. Absolutely, Nikhil. Control grey hair in young age. Grey hair in young age, you should start having amla. Amla is good for grey hair. मेथी का पेस्ट बनाकर स्कैल्प में लगाइए, जिनको भी grey hair है उससे भी बाल में से dandruff कम होगा और graying भी जो है कम होगा. और योगा कीजिए. Downward facing dog शीर्षासन is very good for to help stop the grey hair. मुल्तानी मिट्टी, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओन दीदी. बिल्कुल, आपके घर पर दीदी होगी तो दीदी ने आपकी बहुत मुल्तानी मिट्टी लगाई होगी, आई एम श्योर अमित. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर मी टू गो. आई हैड अ वंडरफुल टाइम विथ यू ऑल. बहुत ही मजा आया आप लोग के साथ में. रियली एंजॉयड विथ यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड फॉर कमिंग इन एंड वॉचिंग माई सेशन. आई होप आप ये सारी जो है रेमिडीज ट्राई करें, और इससे आपको
जो है फायदा हो. सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक. आप अगर मुझसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाह रहे हो बात करना, यू वॉन्ट मी टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, डू लेट मी नो. सो यू गाइज हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड. कीप स्माइलिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी द फॉर. Love you all. Namaste. Have a wonderful Sunday, guys. Keep smiling and stay at home. Be the force. Bye.